मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला श्योपुर के शिक्षकों ने वीर सावरकर स्टेडियम के बाहर धरना देकर विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच खराब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लगभग 600 शिक्षकों की उपस्थिति में वीर सावरकर स्टेडियम शिवपुरी रोड श्योपुर पर शिक्षकों की 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया, जहां शिक्षकों ने बताया कि हमारी मांग है, पहली पुरानी पेंशन लागू की जाए, दूसरी नवीन शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए कर्मोन्नति व समय मान वेतन मान का लाभ दिया जाए, तीसरी पदोन्नति और पदनाम को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह आंदोलन किया गया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार जब एक दिन के लिए मंत्री और विधायक बनने पर उनको पूरे जीवन काल के लिए पेंशन दे सकती है, तो 62 साल तक स्कूल में सेवा देकर नन्हे मुन्ने बालकों को शिक्षित और संस्कारित कर भावी राष्ट्र निर्माता बनाने वाले शासकीय शिक्षकों को पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है? सरकार द्वारा शिक्षकों की पेंशन से वंचित कर शिक्षकों के बुढ़ापे के सहारे को छीना जा रहा है, जिसे शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। आज छात्र युवा संघर्ष समिति ने कॉलेज में अध्ययनरत विभिन्न वर्गों के छात्रों कि जो छात्रवृत्ति पिछले वर्ष से अभी तक नहीं आई है उसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र युवा संघर्ष समिति ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से छात्रों ने बताया कि जो बहुत सारे छात्र हैं वो छात्रवृत्ति पर ही निर्भर है, वो छात्रवृत्ति के माध्यम से ही अपना अध्ययन करते हैं, किंतु पिछले वर्ष से अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई है जिसके कारण उनके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आज छात्र युवा संघर्ष समिति ने छात्रों के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।